आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पौड़ी विधानसभा में संवेदनशील व अति संवेदनशील जगहों का चयन करने और इन पोलिंग बूथों में सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के साथ ही कमियों को दूर करने के लिए पौड़ी में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आरओ पौड़ी आकाश जोशी ने बैठक आयोजित कर पौड़ी विधानसभा के संवेदनशील व अति संवेदनशील पोलिंग बूथों की जानकारी देने को कहा। साथ ही पोलिंग बूथों पर शौचालय, रास्ता, पीने का पानी, बिजली व दिव्यांगों के लिए आने जाने की उचित व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभी अफसरों को निर्देशित किया गया कि जो भी समस्याएं अभी पोलिंग बूथ पर हैं, उसकी सारी जानकारी उन्हें दी जाए, ताकि पौड़ी विधानसभा के सभी पोलिंग बूथों पर सारी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश अनुसार एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स विधानसभा क्षेत्र पौड़ी से संबंधित बैठक आहूत की गई थी। इसमें मेरे द्वारा और सीओ साहब के द्वारा ली गई है बैठक, जिसमें बेसिक हमारा जो उद्देश्य रहा था सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के बीच में समन्वय स्थापित करना और जो भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उनको अनेक्षर्स वगैरह देने हैं, सबमिट करने हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील के मानचित्रण के संबंध में, तो उनसे अनुरोध करा गया कि आप लोग आज शाम तक या कल तक उनको सबमिट कर दें, जिससे हम लोग उसी के अनुसार एक्स्ट्रा फोर्स और अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं उनके संबंध में उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म कर सकें, ताकि समय रहते सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।